कितनी देर हुई है मजलस को शुरू हुए, आवाज नहीं आ रही, हाल में आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? अब आई है। अच्छा, मैंने अर्ज किया मजलिस को शुरू हुए कितनी देर हुई है? 2 घंटे। अच्छा, 2 घंटे में इतनी थकावट हो गई है, आधा मजमा उठ गया है। चलो, अपनी अपनी किस्मत की बात है। हाँ, सलवात जितनी बुलंद पढ़ सकते हैं पढ़ के दिखाएं। एक गुजारिश है, महसूस न करना, नजरे मौला न्याजे हुसैन, जो साहबान आप बैठे हैं जरा मिल के बैठे, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं, जो बिल्कुल पीछे है। क्योंकि आने वाले अगर बाद में आए भी तो पीछे ही बैठे रहे ना, अब उनका आगे तो हक नहीं ना। हो जाए हो जाए, बुजुर्गो हो जाओ, अच्छी बात है, बड़ी मेहरबानी मेहरबानी। अब पढ़ें सलवात। मुझे दे दे, ठीक है। हजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफा वाह वाह, अहमद मुजतबा अस्तफा मुस्तफा अर्तजा मुर्तजा अजतबा मुजतबा अख्तार मुख्तार इश्के अव्वल हुस्ने अव्वल खलके अव्वल इल्मे अव्वल कलमे अव्वल नूरे अव्वल जाते अव्वल जाहिदे अव्वल आबिदे अव्वल मुस्लिमे अव्वल। वजह तखलीके कायनात मुस्तफा, वजह तखलीके कायनात मसनद इलाहिया का बादशाह, गिनती का पहला अदद। मेहरबानी, गिनती का पहला अदद, शुजात का ऐसा हसीन मुकम्मल बाग मुहम्मद, जिस बाग का जो फूल जिधर से भी देखोगे मुहम्मद ही नजर आएगा। मेहरबान, इस्मत जिसकी जर खरीद, तहारत जिसकी मुरीद, नबुवत जिस पे नाजा, इमामत जिस पे कुर्बान, शुजाअत जिसका हार, सदाकत जिस पे जा निसार, वो आदम से लेके ईसा तक मासूम अंबियाओं के काफले का सिपह सालार। यासीन ताहा मुजम्मिल मुदस्सिर, सिराज मुनीर बशीर नजीर, जुरियत इब्राहिम नस्ल इस्माइल, आमना का चांद अब्दुल्लाह का चिराग, हाशिम की आन अब्दुल मुतलिब का मकाम, अबू तालिब की जान। वो मुस्तफा अब्दुल मुतलिब की गोद में आकर वहां जाहिर होके वहां से मुंतकिल होके अबू तालिब की गोद में आके नबी ऐलान करता है कि बदबख्त है वो बंदा, बखील है वो शख्स, मुर्दार है वो आदमी जो हमारी जात पे खुल के सलवात नहीं पढ़ता।
जितने अपने गुनाह बख्शवाना चाहते हो उतनी बुलंद सलवात पढ़ के दिखाओ। मजलस की मकबूलियत बुलंदी की खातिर बुलंद तरीन सलवात का हिदिया पेश कर दो। जो हाजरीन मजलिस हैं मिलकर मिलकर इतनी बुलंद सलवात पढ़ें कि ये सारा मजमा इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की हिफाजत में आ जाए। बड़ी मेहरबानी। इतनी ही हसीन इतनी ही बुलंद बुलंदी से नाजल होती हुई इस हसीन मजमे में हसीन तरह से गर्दिश करती हुई छुलकती हुई उछलती हुई सारा मजमा मिलकर हाजरीन मजले सारा मजमा सब मिलकर इतनी बुलंद सलवात पढ़ें कि अहल बैत अलैहिस्सलाम की जात हम सब पर राजी हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा सलामुन अला इबादिल्लज़ीनस्तफा खसूसन मुहम्मदिन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहल बैत तय्यबीन ताहरीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल महदीन शुरफा अल्लज़ीन अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम ततहीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फी मुहकम किताबिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल कफा बिल्लाहि शहीदं बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब यकूनुल्लज़ीन कफरू लस्त मुरसला सलवात। एक इजाज़त है नहीं एक इजाज़त लेनी आपसे। मैं कुर्सी नीचे ले आ सकता हूँ? इजाज़त है? मेहरबानी। मुजफ्फर कुर्सी मुझे नीचे ला के दे। मेहरबानी। बहुत ऊंचा। इजाज़त कुछ कहा जाए? बिल्कुल आवाज़ क्लियर आ रही है? अच्छा। अज़ीज़ाने गिरामी सबसे पहले आप हजरात के लिए दुआ है। जहां जहां से आप तशरीफ फरमा हुए हैं मौलाए कायनात आप सबको अपने बच्चों से शाद आबाद रखे। जो जो आप हजरात की दिलों में दुआएं हैं दुनियावी दीनी जायज तमन्नाएं हैं जो जाकिर खतीब को कहने में शर्म महसूस करते हैं उन सब के लिए दुआ है। मालिक तुझे उसका वास्ता जिसके वसीले से तू दुआओं को कबूल करता है उस सैयदा के सदके खालिक अपनी इज्जत अजमत जलाल के सदके तमाम मोमिनीन की दिलों की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। अजीजाने गिरामी आपकी खिदमत में मैंने सूरत राद की आयत करीमा तिलावत की है। सारा तैयब ताहिर मजमा है। सब मेरे मिजाज अंदाज से खिताब से वाकिफ हैं। न आप मेरे लिए अजनबी हैं न मैं आपके लिए अजनबी हूं। अजनबियत वहां होती है जहां अली के दरवाजे की कैद न हो। जब हमारा तुम्हारा मानने का पैमाना एक है दरवाजा एक है तो कोई अजनबियत नहीं। इरशादे खुदावंदी है कुल कफा बिल्लाहे शहीदं बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब
यकूनु लजीन कफरू लस्त मुरसला। इस आयत में अल्लाह तबारक अपने हबीब से, महबूब से मुखातिब है। मेरे हबीब, ये काफर कहते हैं तुम रसूल नहीं हो। शाबाश, शाबाश। फिर सुने आयत, कोई दिक्कत मुझे पढ़ने में नहीं होती। कुल कफा बिल्लाह शहीदं बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब यकूनुल्लज़ीन कफरू लस्त मुरसला। ये काफर कहते हैं, ये काफर कहते हैं तुम रसूल नहीं हो। ये काफर कहते हैं, शाबाश, ये काफर कहते हैं तुम रसूल नहीं हो। मेरे अजीज, भूल के भी शिया को काफर न कहना। काफर कहते हैं तुम रसूल नहीं हो। इसका नाम है मजलिस, जहां मासूम के हक को जिंदा रखा जाए। चलो, सबकी मर्जी। अच्छा जी, ये काफर कहते हैं तुम रसूल नहीं हो। ये काफरों का अकीदा है, ये काफरों का नजरिया है। वो कहते हैं तुम रसूल नहीं हो। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, भूल के भी शिया को काफर न कहना। काफरों की आदत है वो रिसालत में शक करते हैं। अब अपनी किताबें जाके देख कि शक तेरे इमाम ने किया नबूवत में या किसी और ने किया। जो रिसालत में शक करे, कुरान कहते काफर कहते हैं तुम रसूल नहीं हो। तो जो कुरान की नजर में, जुमले का कदर करना, जो कुरान की नजर में मुसलमान ही नहीं, तू उसको अमीरुल मोमिनीन कैसे मान रहा है? ये आयतें हैं कुरान की, आयत है कुरान की, कोई रिवायत नहीं, हदीस नहीं। तू बोले हदीस गरीब है, रावी कमजोर है। ना हदीस गरीब है ना रावी कमजोर है, अल्लाह का कलाम है, कुरान की आयत है, तेरा बाप मजबूर है। ये काफर कहते हैं, अब मुझे निशानी बताने की जरूरत ही नहीं, मुझे तबसरे करने की जरूरत ही नहीं, तर्जमा ही काफी है। ये काफर कहते हैं तुम रसूल नहीं हो। घर जाके गिरेबान में झांक के फैसला कर लेना कि वो कौन सा फिरका है जो आज तक 40 साल तक रसूल को रसूल ही नहीं मानता। हाँ, वो कौन सा गिरोह है? बड़ी मेहरबानी। ये काफर कहते हैं तुम रसूल, सुभान अल्लाह, कुल कुल कह दो इन काफरों को, कह दो, कुल कह दो इन काफरों को, कफा बिल्लाह शहीदं बैनी व बैनकुम। कहो कि तुम्हारे और मेरे दरमियान मेरी नबूवत का गवाह एक अल्लाह है। सारे बात करेंगे जो मेरे करीब बैठे हैं, समझ में ना आए मुझसे पूछना। कह दो इन काफरों को कि तुम्हारे मेरे दरमियान मेरी नबूवत का गवाह एक अल्लाह है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, दूसरा मेरी नबूवत का गवाह वो है जिसको अल्लाह ने पैदा होने से पहले पूरे किताब का इल्म दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बैठे हैं बुजुर्गो। हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह जी, आइए 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 आइए।
زہ نصیب چودھویں کا چاند طلوع ہو گیا. میرے عزیز بھائی علامہ ناصر عباس علی ناصر عباس تلہاڑا صاحب بہت اچھے خطیب ہیں, بہت اچھے مقرر ہیں, میرے بعد حاضری دیں گے. یقیناً یہ ابھی مجھے سننے آئے ہیں کہ زرداری کیا پڑھتا ہے, پھر مجھے کیا پڑھنا چاہیے. صلوات کا ہدیہ پیش. آیت کا نتیجہ نکالیں. میں نکالنے لگا ہوں آیت کا نتیجہ, صرف نتیجہ نکالوں گا, تبصرہ نہیں. آپ کی معرفت کا اندازہ دیکھتا ہوں کہ معرفت کتنی ہے میرے اس طیب طاہر مجمع میں. ان کو کہہ دو تمہارے میرے درمیان میری نبوت کا گواہ ایک اللہ ہے, دوسرا وہ ہے جس کو اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے پورے کتاب کا علم دے دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے کہا صرف نتیجہ نکالوں گا, تبصرہ نہیں. معرفت مجھے دیکھ, دیکھے گا تو سمجھے گا. صرف نتیجہ نکالنے لگا ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ علی علی میرا مولا, علی میرا پیر, علی میرا ساقی کوثر, علی میرا شافی محشر, علی میرا نقطہ بائے بسم اللہ, علی جبرائیل کا استاد, علی کعبے کا ہیرو, علی لا فتح کا شاہ سوار, علی انما یرید اللہ میں داخل, علی ومن الناس من یشری میں شامل, علی انما ولیکم اللہ کا مصداق, علی اللہ کے ساتھ, علی اللہ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ محمد کی نبوت کا گواہ, اللہ کے ساتھ. مجمع چاہیے, اب یہ نتیجہ لینے کے لیے سامعین چاہیے. علی اللہ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ محمد کی نبوت کا گواہ, اللہ کے ساتھ. چلو جن بزرگوں کے چہرے میں ابھی مرجھائے دیکھ رہا ہوں ان کے لیے تھوڑی اور آسانی کر رہا ہوں. علی اللہ کے ساتھ محمد کی نبوت کا گواہ. بزرگو شریعت میں گواہ سماعی نہیں چلتا, شریعت میں گواہ عینی ہوگا. میں نے کہا تھوڑی آسانی پیدا کر دیتا ہوں. بابا جو سن کے گواہی دے اس میں شریعت کی کوئی اہمیت نہیں, جو دیکھ کے گواہی دے. تو علی اللہ کے ساتھ محمد کی نبوت کا گواہ, جو پہنچ گئے ہو آپ کی معرفت کو سلام, جو نہیں پہنچے ہو جو پہنچے ہیں بعد میں ان سے پوچھ لینا. ہاں علی اللہ کے ساتھ محمد کی نبوت کا گواہ. گواہ ہوتا ہے عینی, گواہ ہوتا ہے عینی, علی اللہ کے ساتھ. چلو 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 ایک آیت میں اور پڑھتا ہوں اپنے مجمع کی آسانی کی خاطر, مجمع کی آسانی کی خاطر ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں. ہاں بات چلے گی آیت کی, بات چلے گی قرآن سے, ان کو ماری قرآن کی پڑے گی. ارے ملا سہی بڑا حافظ ہے قرآن کا. بابا بزرگو قرآن حفظ کرنے کا نام نہیں, قرآن ابو طالب کے اولاد کے کردار کا نام ہے. قرآن ابو طالب کے اولاد کے عملو کا نام ہے. شاباش, عمل پہلے کرتے ہیں قرآن بعد میں بنتا ہے. چیلنج, علی نے انگوٹھی پہلے دی ہے, آیت بعد میں اتری ہے. علی چادر میں پہلے آیا ہے, علی بستر پہ پہلے سویا ہے, علی نے جنگ کو فتح پہلے کیا ہے, علی نے علم پہلے اٹھایا ہے. ان کے کردار کا نام ہے قرآن. قرآن میں کہا ہے
कुरान से दिखा अली बुरे वाला में मदद करने कैसे आता है, अली नजफ अशरफ से मदद करने कैसे आता है। लाख लानत तेरी शक्ल पे, काश मुसलमान तू कुरान की काफ से वाकिफ होता, ये सवाल न करता। तू कुरान की काफ से ही वाकिफ नहीं। मेरी नबुवत का गवाह एक अल्लाह है, दूसरा वो है जिसको अल्लाह ने पैदा होने से पहले पूरे किताब का इल्म दे दिया। अली है पूरे किताब का आलिम, यह जुमला जहन में रहे। अली है पूरे किताब का इल्म आलिम, अली में पूरे किताब का, अली है आलिम किताब, अली है वारिस है किताब, अली है मालिक है किताब, अली है आलिम किताब, पूरे किताब का आलिम। अब चलते हैं कुरान की तरफ। जनाबे सुलेमान नबी, सूरत नमल, सूरत नमल चूंटी वाली सूरत, नमल मैंने चूंटी, चूंटी वाली सूरत। जब जनाबे सुलेमान नबी वादिय नमल से गुजर रहा था ना, तो उन चूंटियों ने हुक्म दिया, चूंटी ने अपनी चूंटियों को, जल्दी जल्दी छुप जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं उनके पांव के नीचे आके दब के मर न जाओ। फतह बस समझाकुम मिन कौलहा, सुलेमान ये बात चूंटी की सुन के मुस्कराया। सुलेमान नबी चूंटी की बात ये सुन के मुस्कराया। मुस्कराना इस बात की दलील है कि नबी ने चूंटी की बात को समझा, सुना भी समझा भी, और सब तफसीरों ने लिखा कि उसमें हजारों चूंटियां थीं, रंग की भी एक जैसी थी, कद की भी एक जितनी थी, फिर भी नबी ने जाकर उसी चूंटी को उठाया जिसने हुक्म दिया था। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, उठा के हाथ में रखा। नबी ने चूंटी को उठा के हाथ पे रखा, हे चूंटी, हे चूंटी, तूने मुझे जालिम समझा है, तूने मुझे जालिम समझा है कि तूने चूंटियों को हुक्म दिया जल्दी जल्दी छुप जाओ, क्या तेरी नजर में मासूम जालिम होता है? तूने मुझे मासूम नहीं समझा, चूंटी थी मुल्ला की तरह बेअकल नहीं थी। चूंटी भी तड़प के कहती है अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी, मासूम भी अकेला तू है ना, तेरा पूरा लश्कर तो मासूम नहीं, मैंने तेरे लिए तो कह ही नहीं, मैंने कहा सुलेमान का लश्कर। सुलेमान का लश्कर आ रहा है, सुलेमान का लश्कर आ रहा है। अच्छा, इतनी अफजलत की फजीलत की बातें करती है, तू अपने आप को अफजल समझती है? नहीं, अल्लाह के नबी अफजल तू है, मासूम तू है, रहबर तू है, पेशवा तू है, इस वक्त कम मैं भी नहीं हूं, इस वक्त मेरा भी कोई मकाम है, क्योंकि मेरे कदम मासूम के हाथ पर है। पता ही नहीं कोई मजमे में था या नहीं था। अरे यार, कितने ना अफसोस की बात है, एक चूटी सुलेमान नबी के हाथों पे आके अपने आप को अफजल समझ रही है कि मेरे कदम सुलेमान के हाथ पर हैं, तो वो अली वो हुसैन जिनके कदम सुलेमान के सरदार मोहम्मद की मुहर नबूवत पे रहते हो, उनका मकाम क्या होगा? ऐलान किया सुलेमान ने, है कोई,
है कोई जो तख्त बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी जी या मोहम्मद के जरा गिन लो अदद रब भी तो इन दो बुजुर्गों के सिवा मिलता नहीं, मिलता नहीं रहा सलवा। बात यह है, असल बात क्या है जिसकी वजह से मैं जल्दी कर रहा हूं, किबला साहब देखो मिंबर पे तशरीफ फरमा है, ज्यादा उनको बिठाना नहीं, मैं चाहता हूं ये जो आप अपना टाइम लेते हैं ना ये टाइम मुझे दे दें ताकि मैं अपना बयान जल्दी कर सकूं, किबला साहब को ज्यादा ना बैठना पड़े, ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है जरा। हाँ कोई बात नहीं, बस जिंदगी आए रुपयाँ पढ़ते रहेंगे, जिक्र होता रहेगा। मैं चाहता हूँ कि अपना बयान बड़ा तवील है और मैं जल्दी में समेटना चाहता हूँ, बात भी पूरी करना चाहता हूँ और किबला को ज्यादा बिठाना भी नहीं चाहता, क्योंकि कल को मुझे बैठना पड़ेगा, अगले सूर भी सुजदे पैन, लिहाजा आज उन्हें जल्दी है, कल को मुझे भी जल्दी हो सकती है। सलवात का हिदिया सारे पेश करें। साईं तो कभी कभी बाहर सफर पे आते हैं, हम तो हमेशा सफरी लोग हैं, साईं को तो सियालकोट से ही फुर्सत नहीं मिलती। हाँ जी, बात क्या हो रही थी, सुलेमान नबी ने ऐलान किया है कोई दरबार में जो तख्त बल्कीस ले आए। काल इफरी तुम मिनल जिन आना औती कभी कबिल, एक जिन खड़ा हुआ, उसने कहा मैं ले आता हूं तख्त बल्कीस, आपकी महफिल बर्खास्त होगी ना तख्त बल्कीस आ जाएगा। नबी ने फरमाया नहीं, मुझे इससे जल्दी चाहिए, मुझे तख्त बल्कीस इससे जल्दी चाहिए, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जैसे कहा इससे भी जल्दी चाहिए ना, वही सूरह नमल चल रही है। आसिफ बरखिया खड़ा हुआ, उसके लिए कुरान ने गवाही दी, का लल्लजी इंदहु इल्म मिनल किताब अना आती कभी कबिल अयर तद इलैक तरफुक फल्लमा रा मुस्तकर। आसिफ बरखिया ने खड़े होके कहा अल्लाह के नबी तख्ते बल्कीस मैं ले आता हूं, आंख झपकने से पहले ले आता हूं। वो जो पीछे साहिबान बैठे हैं जिस मजहब से भी आपका ताल्लुक है, मैं आपको कुरानी दलाइल दे रहा हूं, सुलेमान को आसिफ बिन बरखिया ने कहा मैं आंख झपकने से पहले तख्त बल्कीस ले आता हूं। तख्त बल्कीस कहां था? सुलेमान की दरबार से 1400 मील के फासले पर, 1400 माइल के फासले से। उसने कहा आंख झपकने से भी पहले, इससे भी पहले, यानी ऐसे नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे, अभी इससे भी पहले ऐसे नहीं करोगे तख्त आ जाएगा। फल्लमारा मुस्तकरा, वाकई सुलेमान ने देखा तख्त आ गया है। क्यों भाई इतनी जल्दी में तख्त ले आया? इंदहू इल्मुम मिनल किताब, उसमें किताब का थोड़ा सा इल्म था, थोड़ा सा। और शेखुल हिंद किबला साहब बैठे हैं, तस्दीक करवा लेना, शेखुल हिंद महमूद अल हसन देवबंद ने अपने तफसीर में लिखा कि चूंकि आसिफ बरखिया के पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, उस किताब के थोड़े से इल्म के जरिए से आसिफ बरखिया ने वक्त को रोक दिया था, यानी जिसको किताब का थोड़ा सा इल्म है उसका वक्त पर कब्जा है। तो अली तो पूरे किताब का आलिम है, चलो मेहरबानी, चलो ये अगर बोल दे जल्दी, हैदरी भाई देखो, अगर आसिफ बरखिया कहता कि भाई आंखें बंद करो फिर मैं तख्ते बल्कीस ले आता हूं,
फिर भी मुल्ला कहता सही आंखें तो उसने बंद करवा दी थी, पता नहीं कौन सा जादू किया, आंखें तो बंद थी। नहीं, आसिफ ने कहा तुम्हारी आंखें खुली रहे, मैं जाऊंगा भी, मैं आऊंगा भी, तख्त भी आएगा, मगर तुम सारे दरबारी न मेरा जाना देखोगे, न मेरा आना देखोगे, ये सोचते रह जाओगे कि आसिफ बरखिया गया कैसे, आया कैसे, मरते मर जाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा न मेरा जाना न मेरा आना। सुलेमान के दरबारियों ने देखा कि आसिफ इधर हाजर नाजर है, 1400 मील दूर बलकीस के हवारियों ने देखा कि आसिफ इधर हाजर नाजर है, अरे जिसको किताब का थोड़ा सा इल्म है वो उधर भी हाजर नाजर, इधर भी हाजर नाजर, थोड़ा सा इल्म, थोड़ा सा इल्म तो अली है पूरे किताब का आलिम, मरते मर जाओगे तुम्हें पता न चलेगा कि अली नजफ से पूरे वाला कैसे आता है कैसे जाता है, मदद कैसे करता है, पूरे किताब का आलिम अली, पूरे किताब का आलिम, किताब इल्म, अली आलिम, किताब मीरास अली वारिस, किताब अमर अली उलिल अमर, किताब मुबीन अली इमाम मुबीन, किताब शिफा अली मालिक के खाके शिफा, किताब ताहिर अली मरकज किसाए तत्हीर, किताब किताबों की तस्दीक अली मुहम्मद रसूल जलील की तस्दीक, किताब जिस्म अली रूह, किताब मौजजा अली मौजज निमा, किताब मुश्किल अली मुश्किल कुशा। अली अल्लाह के साथ, बात याद है ना, अली अल्लाह के साथ, मोहम्मद की नबूवत का गवाह अल्लाह के साथ, बात तो ये है ना जिसपे कर, अली अल्लाह के साथ मोहम्मद की नबूवत का गवाह अल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ। आइए आपकी आसानी, और शरीयत में गवाह होता है ऐनी, शरीयत में गवाह होता है ऐनी गवाह, अली अल्लाह के साथ मोहम्मद की नबूवत का गवाह, गवाह होता है ऐनी। आइए आपकी आसानी के लिए फिर कुरान की एक आयत पढ़ रहा हूं, आयत आयत रिवायत नहीं, सूरत निसा की आयत है, सुनो मजालो मवालियो आयत का अजीब अंदाज है आयत का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फकैफा इजा जेना मिन कुल उम्मतिम बिशहीद व जेना बिकालाहा उलाए शहीदा। मेरे हबीब, हमने हर नबी को आदम से लेकर, मेरी तरफ देख, देखेगा तो समझेगा, हमने हर नबी को आदम से लेके ईसा तक, हर नबी को अपनी अपनी उम्मत का गवाह बनाया है। वज्जेना बिकालाहा उलाए शहीदा, मगर मेरे महबूब, हमने आपको तमाम नबियों का गवाह बनाया। बड़ी मेहरबानी, हर नबी अपनी अपनी उम्मत का गवाह, मेरा सरदार मोहम्मद अरबी तमाम नबियों का गवाह। बैठे हो मजमे में, बैठे हो, आपस में बैठे हैं, सब आपस में बैठे हैं, मुसलमान भाई खास तौर पे जो सुन्नी भाई हो, घर जाके जरा सोचना तो सही, कुरान कह रहा है कि मैंने मोहम्मद अरबी को तमाम नबियों का गवाह बना के भेजा, तो जरा सोचो तो सही, जो खुद 40 साल तक रसूल ही नहीं है उसे क्या हक है वो आदम के नबूवत की गवाही दे। जुमला तो मैं कह गया हूं जो मुझे कहना था,
हैं, सोचने की बात है। हाँ दर्श है, मजलिस में दर्श होना चाहिए, मजलिस नाम ही दर्श का है। हाँ? मेरे आठवें इमाम अली रजा अलैहि सलाम से किसी ने पूछा, मौला मजलिस किसे कहते हैं? मौला ने फरमाया जहां मासूम के हक को जिंदा रखा जाए उसका नाम मजलिस है। यहां मासूम के हक को जिंदा रखा उसका नाम मजलिस। ये बुजुर्ग बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं, कदीमी उलमा सुनते आ रहे हैं, इनके सामने पढ़ना ही हमारा बहुत हमारे लिए हिम्मत अफजाई है, बड़े बायस फखर की बात है हमारे लिए। जी बात क्या हो रही थी? हर नबी इन अम्बियाओं का कलमा क्या? सुन कुरान काफर है, शिया काफर है। काफर वो है जिसका इमाम काफर हो। हमारे इमाम देख, हमारे इमाम तो देख, इसीलिए नबी को ऐलान करना पड़ा। मोहम्मद अरबी ने ऐलान किया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कितने फिरके होंगे? है नहीं, होते तो तब जब मैं मोहम्मद फिरके ले आता। मैं फिरके नहीं ले आया, मैं निजाम ले आया हूं, इस्लाम ले आया हूं, दीन ले आया हूं, कुरान ले आया हूं। मैं क्या कह जा रहा हूं, मेरे बाद मेरी उम्मत में 73 फिरके, उनमें 72 जाएंगे जहन्नम में, एक टोला जाएगा जन्नत में। 72 जाएंगे, शू शू करते अद्दे वाले घर, एक टोला जाएगा। अब साहब एक हम हैं, वो एक हम हैं, जिनको बीवी भी टाइम पे खाना नहीं देती वो हम हैं। मुझे इससे गर्ज नहीं, वो एक कौन है मैं बताना भी नहीं चाहता, मुझे हदीस से गर्ज है, मुत्तफिक अलैह हदीस है। 73 फिरके मुत्तफिक है, नबी ऐलान कर गया मेरी उम्मत में मेरे बाद 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। सारे मुसलमान मुझे समझाओ, मुझे समझाओ, वो जो 72 जहन्नम में जा रहे हैं उनमें नमाजी नहीं होंगे? बोलो बाबा, आपसे बात कर रहा हूं, उनमें रोजेदार नहीं होंगे? हाजी जकाती नहीं होंगे? अच्छे काम करने वाले नहीं होंगे? और जो एक टोला जन्नत में जा रहा है उनमें गुनहगार नहीं होंगे? मेरे जैसे बदअमल नहीं होंगे? होंगे तो क्यों जा रहे हैं जन्नत में? बदअमल का क्या ताल्लुक जन्नत से? नमाजी रोजेदार का क्या ताल्लुक जहन्नम से? उनमें नमाजी भी हैं, रोजेदार भी हैं, फिर भी जहन्नमी हैं। या रसूल अल्लाह, ये आपने क्या फरमा दिया? ये आपने क्या कह दिया? हां जरदारी, मैं अब भी कहता हूं मेरे बाद मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, उन 72 में नमाजी भी हैं और रोजेदार भी हैं, मगर जहन्नमी इसलिए हैं कि उनके इमाम सही नहीं है। और जो एक टोला जन्नत में जा रहा है ना, उनके इमाम सही हैं, उनके हाथी सही हैं। जरदारी, निजात का दारो मदार नबी पर नहीं,
अल्लाह पर नहीं, निजात का दारो मदार इमाम पर है। बड़ी मेहरबानी जरदारी। चलो जो नहीं समझे उनके लिए आसान कर रहा हूं। जरदारी, अल्लाह नहीं देखता के पीछे लश्कर में कौन है, अल्लाह देखता है इस लश्कर का सालार कौन है। नजर खुदा की सालार पे होती है, सालार सही, निजात सही, सालार गलत, निजात गलत। अपना हाथी सही बना, हाथी ठीक कर, हाथी सही कर। कुरान गवाह है, मूसा के सारे लश्कर में मूसा जैसे मासूम नहीं थे। पीछे गुनहगार भी थे मगर सारे पार हो गए, क्यों? अगला सही था। फिरौन के लश्कर में पीछे सारे फिरौन नहीं थे, पीछे अच्छे अमल करने वाले भी थे मगर सारे गर्क हो गए, क्यों? अगला गलत था। खुदा की नजर आगे वाले पे होती है। चैलेंज, किबला साहब बैठे हैं यहां से लेके मंसूरा तक, मंसूरा से लेके जामियतुल अजहर तक, जामियतुल अजहर से लेके शरह फिकह अकबर के लिखने वाले मुल्ला अली कारी तक, मुल्ला अली से लेके आज के कुत्ते डॉक्टर असरार तक, डॉक्टर असरार से लेके तालिबान के कायद मुल्ला उमर तक, उठे कोई मुसलमान किसी फटी हुई किताब से, पुरानी कमजोर जईफ रिवायत तारीख से, फटी हुई किताब से दिखा दो कि 72 फिरके वालों, तुम्हारे किसी इमाम ने यह दावा किया हो कि मुझे मानो मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा। फटी हुई किताब से, फटी हुई किताब से, बोल चाचा जबान से, फटी हुई किताब से, कमजोर ज़ईफ रिवायत से दिखाओ कि तुम्हारे 72 फिरके वालों के किसी इमाम ने दावा किया हो कि मुझे मानो मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा। यार जुमले का कदर करना, जुमले का कदर करना। अरे अगर उनमें से किसी का जन्नत पर कब्जा होता, अगर किसी का जन्नत पे कब्जा होता तो वो अपने बेटे को न कहता जाके हसन से लिखवा के ले आ, जाके लिखवा के ले आ। बस आखिरी 10 मिनट की जाम खत्म हो गए, बस बस भाई आखिरी 10 मिनटों की जामत है, खत्म हो गई बात जितनी करनी थी। हर नबी अपनी अपनी उम्मत का गवाह, सारी उम्मतें अपने अपने नबियों का कलमा पढ़ते हैं। नबियों का कलमा क्या है, बात याद है ना? सुन, कुरान के नबी किसका कलमा पढ़ते हैं? सूरत आले इमरान, क्या नाम है सूरत का? सारा मजमा बोले, ऊंचा बोले, क्या नाम है सूरत का? आले इमरान। इमरान तन्हा नहीं, आले इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैजा खजल्लाहु मिसाकन नबीयीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولو تنصرنه। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह फरमाता है रोजे अजल में आलम अरवाह में मैंने आदम से लेके ईसा तक तमाम नबियों से वायदा लिया, मिसाक लिया, अहद लिया कि नबुवत ले लो, हिकमत ले लो, शरीयत ले लो, मगर जो कुछ दे रहा हूं एक शर्त पे दे रहा हूं। सुम्मा जाकुम,
शर्त यह है कि तुम्हारे बाद आखिर में एक रसूल आएगा 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 आएगा, पैदा नहीं होगा आएगा। इंतजार उसके पैदा होने का न करना, इंतजार उसके आने का करना। मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, वो आते ही तुम्हारे नबुवतों की तस्दीक करेगा। कुरान करता है किताबों की तस्दीक, मुहम्मद करता है नबियों की तस्दीक, अली करता है मुहम्मद की तस्दीक। बड़ी मेहरबान, बड़ी मेहरबान, बहुत मेहरबान। वो तुम्हारे नबुवतों की शरीयतों की हिकमतों की तस्दीक करेगा। लतुमिनुन्ना बिही, तुम सब के सब उस पर ईमान लेके आना, सब के सब उस पर ईमान लेके आना, सब उसी का कलमा पढ़ना। अब तेरे बाप को भी मानना पड़ेगा आयत के रूह से कि आदम की उम्मत पढ़ती है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। आदम का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ना 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 ना, मजा नहीं आया मुझे, मजा नहीं आया। आप इधर उधर देखते रह गए। अल्फाज क्या है? लत उमिनुन्ना बिही, उस पर ईमान लेके आना। वला तंसुरुन्ना, उसकी मदद करना। अब लफ्जों को पकड़ता हूं। लत उमिनुन्ना बिही, उसके मोमिन बनना। बोलो बोलो जो करीब बैठे हो, जो नौजवान करीब बैठे हो आप बोलो, उसके मोमिन बनना। आदम से ईसा तक जितने नबी हैं रसूल के मोमिन हैं, रसूल उनका क्या बना? नबी मोमिन, रसूल उनका क्या है? फिर सुन कुरान, कुरान सुन। अन नबी औला बिल मोमिनीन, रसूल तमाम नबियों का मौला है। यालीन को जगा दे। आदम से लेके, आदम से लेके ईसा तक जितने नबी आए सारे रसूल के मोमिन, रसूल उनका मौला। गदीर में रसूल ने क्या ऐलान किया था? मन कुंत मौला फहाजा अली मौला, जिस जिस का मैं मौला उस का अली मौला। मैं आदम का मौला, अली आदम का मौला। मैं शीश का मौला, अली शीश का मौला। मैं अनोश का मौला, अली अनोश का मौला। मैं इदरीस का मौला, अली इदरीस का मौला। मैं इलियास का मौला, अली इलियास का मौला। मैं खिजर का, यहया का, जकरिया का मौला। अली खिजर का, यहया का, जकरिया का मौला। मैं इब्राहिम का, इस्माइल का, इसहाक का मौला। अली इब्राहिम का, इस्माइल का, इसहाक का मौला। मैं यूसुफ का मौला, अली यूसुफ का मौला। मैं यूनुस का मौला, अली यूनुस का मौला। जिस जिस का मैं मौला उस का अली मौला। तो फिर तेरे बाप को भी मानना पड़ेगा कि आदम से ईसा तक नबियों का कलमा ये रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउल वलीउल्लाह। जब से चला ला इलाहा इल्लल्लाह, जब से ला इलाहा इल्लल्लाह चला, तब से मुहम्मद रसूलुल्लाह चला, तब से अलीउन वलीउल्लाह चला। वला तंसुरुन्ना, उसकी मदद करना, उसकी मदद करना। अंजाम करते हो, वादा करते हो, इकरार करते हो, उसकी मदद करोगे? उसको छोड़ के अकेला तो नहीं भाग जाओगे? उसे कहीं अकेला तो नहीं छोड़ोगे? उसे तनहा तो नहीं छोड़ोगे? कहीं उसे छोड़ के अकेला चले तो नहीं जाओगे? सबने कहा, इकरार किया, वादा किया, मदद करेंगे, उस पर ईमान लाएंगे। अल्लाह फरमाता है शाहिद रहना। फाना वाना माकुम मिन शाहिदीन, शाहिदीन में से मैं अल्लाह भी एक शाहिद हूं। फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फौलाइक हुमुल फासिकून,
याद रखो, फिर जो भी इस वादे से मुकर गया उसका नाम नबियों की कतार से निकाल कर फासेकीन में लिखा जाएगा। जो नबी मुस्तफा की मदद न करेगा नबी नबी न रहेगा, फासिक बन जाएगा। उम्मती की तो कोई हैसियत ही नहीं। केड़ा बड़ा जुमला खा गए हो। अरे बाबा, आदम से ईसा तक कोई नबी मुस्तफा की मदद न करे तो नबी फासिक बनता है। तो ये सहाबी हर जगह में हर मैदान में मोहम्मद को छोड़ के भी सहाबी कैसे रह सकता? अगर वो नबुवत से खारिज तो फिर मान ये सहाबियत से खारिज। कोई नबी चीखता, कोई नबी तड़पता, परवरदिगार हमसे शर्त लगा रहा है, हमें काबू कर रहा है कि हम उसकी मदद करें। अगर मदद हमने उसकी न की तो हम नबी नबी नहीं रहेंगे, हम फासकीन में से हो जाएंगे। कहां मर गए हो कारिये कुरान, कहां मर गए हो हाफिज़े कुरान? इन अंबियाओं की नबुवतों का दिफा करो, इनको फासिक होने से बचाओ या इनकी मुस्तफा की मदद दिखाओ। परवरदिगार तू वहां नबियों से वादे ले रहा है, न वहां बायकॉट है, न वहां ऐलान है, न वहां तबलीग है, न शेबे अभी तालिब है, न हिजरत है, न खैबर है, न खंदक है, न ओहद है, न बदर है। नबी चीखते, नबी तड़पते, परवरदिगार हमसे वादा ले रहे, हम उसके जमाने में होंगे ही नहीं तो हम मदद कैसे करेंगे? हम मदद तो तब करेंगे ना जब उसके जमाने में हो। या कुरान की आयत निकाल, या आदम से ईसा तक किसी नबी की मदद दिखा। यह शेबे अभी तालिब में आदम आया था, हिजरत की रात बिस्तर पे नूह आके सोया था। बोलो, खामोश क्यों बैठे हो? ये खैबर में इब्राहिम आके लड़ा था, खंदक में मूसा आके लड़ा था। या इन नबियों की मदद दिखाओ, नहीं तो फिर मान के इन नबियों का कोई मजहर है। कौन मजहर है? ये नबी ने अपने लबों को जुम्बश दी, रसूल ने अपने लब हिलाए, रसूल ने बताया कि इन नबियों की मदद कौन है, कौन है जो इनका मजहर है, कौन है जो इनकी मदद से मेरी मदद करता है। अरे तू अली को इमाम मान या ना मान, तू अली को रहबर मान या ना मान, तू अली को पेशवा मान या ना मान, तू अली को खलीफा अव्वल मान या ना मान, तू अली को इमाम अल मुत्तकीन मान या ना मान, तू अली को यासुबुद्दीन मान या ना मान, तू अली को कायद अल गुर्र अल मुहजलीन मान या ना मान, तू अली को शाफी महशर मान या ना मान, तू अली को साकी कौसर मान या ना मान, तू अली को वजहुल्लाह करमुल्लाह इज़्नुल्लाह अनफुल्लाह मान या ना मान, मगर कुरान सर पे रख के बताओ कि मेरे अली मौला की काबे में आमद से लेकर दावत जुल अशीरा तक, दावत जुल अशीरा से लेकर शबे हिजरत के बिस्तर तक, शबे हिजरत के बिस्तर से लेके मस्जिद कूफा के आखिरी सजदे तक अली की जिंदगी का कोई ऐसा पहलू दिखाओ जिसमें अली ने मुस्तफा की मदद न की हो। अगर हर जगह हर वक्त हर कुछ अली ने मुस्तफा की मदद की है, क्यों की है? इसका जवाब नबी ने दिया, मन अराद इला आदम फी इल्म ही व इला नूहन फी तकवा ही व इला अयूब फी सब्र ही व इला यूसुफ फी जमाल ही व इला इब्राहिम फी खुल्लत ही व इला मूसा फी हैबत ही व इला ईसा फी जुहद ही। जो चाहे मैं नूह का, जो चाहे मैं आदम का इल्म देखूं, नूह की तकवा देखूं, इब्राहिम की खुल्लत देखूं। अब पता चला कि अली हर जगह मदद रसूल को क्यों आता था। अली तन्हा नहीं आता था, इल्म आदम से, तकवाए नूह से, खुल्लत इब्राहिम से, जमाल यूसुफ से। अगर किसी जंग से अली पीछे हटता, जितने अली के कदम पीछे हटते उतने नबी फासिक बनते।
हर मैदान में अली के कदम बढ़ते गए, नबुवत बुलंद होती गई। अली नाम है नबुवत की बुलंदी का, अली नाम है नबुवत और रिसालत की मदद का। या रसूल अल्लाह मैं तेरी मदद हाजिर हूं, ऐलान तू कर, नबुवत का ऐलान तू कर, गवाही मैं दूंगा, तस्दीक मैं करूंगा, जंग तू कर, फतेह मैं करूंगा, हिजरत तू कर, बिस्तर पे मैं सोऊंगा, हुक्म तू कर, कत्ल मैं करूंगा। नबुवत तेरी होगी, विलायत मेरी होगी, हुक्म तेरा होगा, हकूमत मेरी होगी। अली की जिम्मेदारी है, अली की जिम्मेदारी है कि ये मदद करे नबुवत की, रिसालत की। जब भी नबुवत और रिसालत पे वक्त आएगा, अली मदद करेगा। ये अपने अपने दौर के अली है, अली अपने दौर का अली है, हसन अपने दौर का अली है, हुसैन अपने दौर का अली है, अब्बास अपने दौर का अली है। ये अली ही तो है, ये अली ही तो है जो कभी हसन बन के मदद रिसालत में जनाजे में तीर खा रहा है। ये अली ही तो है जो कभी हुसैन बन के मदद रिसालत में मदद नबुवत में तीरों पर जनाजा है। ये अली ही तो है कभी अकबर बन के सीने पे बर्छी खा रहा है। ये अली ही तो है जो कासिम बन के लाश के टुकड़े करवा रहा है। ये अली ही तो है जो असगर बन के 6 महीने का सगीर होके गले में तीर खा रहा है। जिम्मेदारी अली की है, मदद रसूल, गवाही रसूल, तस्ती के रसूल, ये जिम्मेदारी अली की है। जहां से मैंने तकरीर शुरू की थी वहीं पे मैं खत्म कर रहा हूं। अली अल्लाह के साथ मोहम्मद की नबुवत का गवाह, सोसाइटी से पता चलता है शख्सियत का। अली अल्लाह के साथ, सोसाइटी देख अली की, अल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ, रिसालत का गवाह। हां मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कभी रोने पे ऐतराज न किया करो। क्यों शिया रोते हैं? मुसलमान तू रो या ना रो, मुझे अलम अब्बास की कसम, जिस नबी का कलमा पढ़ता है ना, वो नबी आज भी रो रहा है, कब्र में भी रो रहा है। खालिक पूछता है मोहम्मद क्यों रोता है, रो के नबी फरमाता है परवरदिगार मैं न रोऊं, एक बेटी थी मेरी फातिमा, हंसता पसता छोड़ आया था, उसी का पहलू पे हाथ है, उसी का पहलू जख्मी है, देख मेरी बेटी एक हाथ से तस्बीह पढ़ रही है। मेरा पीर अली रोएगा। खालिक पूछता है अली तू क्यों रोता है, परवरदिगार मैं कैसे न रोऊं, मैं कैसे न रोऊं, मोहम्मद की एक बेटी जिसका पहलू जख्मी, मेरी तो बेटियां शाम के हर मोड़ पे पत्थर खाती रही, हर मेरी बेटी का सर जख्मी, रो रो के यही कहती रही चादर का सवाल है, चादर का सवाल। और मर ना जाए, मर ना जाए। चंद चीजें मांगी हैं सैयदों ने, वो भी उम्मत ने नहीं दी, चंद चीजें मांगी हैं। रसूल ने दवात और कलम मांगा, मुसलमानों ने नहीं दिया। इमाम हसन ने अपने नाना के पहलू में कब्र की जगह मांगी, मुसलमानों ने नहीं दी। रसूल की बेटी फातिमा ने बाबा का हक मांगा, मुसलमानों ने नहीं दिया। 10वीं मुहर्रम के दिन हुसैन ने असगर के लिए पानी मांगा, मुसलमानों ने नहीं दिया। शाम में ज़ैनब ने चादर मांगी, ईसाइयों ने दी है, मुसलमानों ने नेजे से उतारी है। अभी भी ना रोए, अली रो रो के कहते हैं परवरदिगार आज हशर का दिन है, तूने हर आदमी को उठाया है,
हर इंसान देख कब्र से कफन से उठ रहा है, हर बंदा अपनी कब्र से कफन से उठ रहा है। मैं अली कैसे न रो, मेरा हुसैन बेकफन उठ रहा है। हुसैन रोता हुआ उठेगा। अली शहंशाह फरमाते हैं, हुसैन मैं तुझे रो रहा हूं, तू क्यों रो रहा है? बाबा मैं तेरा बेटा हूं, तूने बेटे को बेकफन देखा तो अभी तक रो रहा है। बाबा मैं कैसे न रोऊं, शाम के बाहर मेरी सकीना बेकफन है, मेले चोले में दफन है। जो मसाहिबी लोग बैठे, हर दौर के अली की जिम्मेदारी है कि वो रसूल की मदद करे। अल्लाह की अजमत की कसम, जहां तक मेरी रिसर्च का सवाल है, 6 हस्तियां ऐसी हैं जो रसूल की छवि हैं। एक नहीं, 6 हस्तियां। जनाबे जाफर तैयार बोलते थे ना, रसूल लगते थे, आवाज में शबाहत। दूसरी हस्ती मोहम्मद की अकेली बेटी सैयदा जहरा, बोलने में चलने में मोहम्मद की छवि। इमाम हसन सर से लेके सीने तक मोहम्मद की छवि। इमाम हुसैन सीने से लेके कदमों तक मोहम्मद की छवि। तेरा मेरा पर्दे वाला इमाम, 18 या 12 चीजों में मोहम्मद की छवि। मगर जो सैयद बैठे हो मुझे माफ करना, कोई ऐसी छवि है हुसैन का सोना बेटा अली अकबर, जिसका जाहिर भी मोहम्मद है, बातन भी मोहम्मद है। और शिया सुनियो, जब मजलिस में नाम अकबर आ जाए ना, जितने नौजवान बैठे हो धाड़े मार के रोया करो, क्योंकि इधर मजलिस में अकबर का नाम आता है, कनात के अंदर अकबर की दोनों माएं आ जाती हैं, सगी मां भी आ जाती है, पालने वाली मां भी आ जाती है। उस वक्त कोई मोमिन नहीं ना रोता। लैला को बड़ा दुख होता है, अकबर की सगी मां रो के कहती है, अकबर के मसाइब सुन के भी तू चुप है? हां, तूने मेरा अकबर देखा जो नहीं था, तुझे अंदाजा जो नहीं कि मेरा अकबर कितना हसीन था। सैयदो गैर सैयदो, अलम अब्बास की कसम, जब अली अकबर ने मौत की इजाजत मांगी है ना, 64 बीबियों ने अपने खैमे छोड़ दिए हैं। 64 बीबियां अकबर के खैमे आ गई हैं। हुसैन का क्या हाल है? अमामा मेरे मौला का सर से उतर के गल में आ गया है। कभी बीबियों को देखता है, कभी अकबर को देखता है। 64 मस्तूरात को देख के हुसैन ने एक वैन किया है। वैन करके मौला रो के कहते हैं, वाह गुरबता। हुसैन ने अली अकबर के घोड़े उकाब की रकाब में हाथ डाला, आ मेरा सोना बेटा घोड़े पे चढ़ा, आ घोड़े पे सवार हो। अली अकबर 2 कदम पीछे हटके कहते है, बाबा तुझे मां के जख्मी पहलू का वास्ता, पीछे हट जा, तू बाप है मैं बेटा हूं, तू जईफ है मैं जवान हूं। न शरीयत इजाजत देती है, न अदब इजाजत देता है कि बाप बेटे को सवार कराए। बाबा पीछे हो जा, मुझे अकेले को सवार होने दे। शिया सुनियो, हुसैन पीछे हटा, 64 बीबियां अकबर के घोड़े की तरफ दौड़ी। माओं का इरादा के पहले हम सवार कराएंगी, चाचियों का इरादा पहले हम सवार कराएंगी, मगर हर बीबी के पहुंचने से पहले कोच में एक मेहंदी वाला हाथ आया, जो रो के कह रही है, मेरे भाई अकबर, तुझे बेवा बहन घोड़े पे सवार कराने आई है, तेरी लहजे की परनी बहन हूं, न मेरा पेका रह गया न मेरा सोरा रह गया। अली अकबर घोड़े पे सवार हुआ, पहली कनात अबूर करने लगा, पासे से आवाज आई, घोड़ा रोक, मैंने तेरा मुंह चूमना है। अकबर ने देखा, मेरी पालने वाली मां है, मेरी पुफी जैनब है,
दूसरी कनात घोड़े ने अबूर की, फिर आवाज आई घोड़ा रोक मैंने तेरी दाढ़ी चूमनी है। अली अकबर का घोड़ा कनाते अबूर करके मैदाने करबला में दाखिल हुआ, 7 या 8 कदमों पे घोड़ा गया, घोड़ा रुक गया। अकबर कहते चलता क्यों नहीं, घोड़ा कहते मेरी बड़ी मजबूरी हो गई है, मेरे पांव में देख। अकबर ने देखा कि 4 साल की मासूमा है जिसकी चादर सर से उतर के गल में आ गई है, छोटे छोटे हाथ घोड़े के कदमों पे रख के रो के कह रही है मुझे पहचान, मैं हुसैन की मासूमा। अली अकबर घोड़े से उतरने लगा, सामने सकीना आके कहती है भाई उतरना नहीं, तुझे सवार कराने वाले सारे मारे गए हैं। अकबर कहता है उतरने नहीं देती फिर आई क्यों है। सकीना रो के कहती है आई तो मैं भी चूमने हूं। अकबर कहते पुफियों के कद बड़े थे तेरा कद छोटा है। सकीना रो के कहती है भैया ना मुंह चूमने आई हूं ना दाढ़ी चूमने आई हूं, जरा रकाबू से पांव बाहर निकाल, मैं तेरे पैरों की तलियां चूमने आई हूं। अकबर हर कोई मदीने वापस जाएगा, मैं शाम रह जाऊंगी, अंधेरी रातें होगी, बगैर छत के जिंदा होगी, अकेली कोठियां होगी। अला अला अला